नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। यूपी के आगरा एसओजी टीम व थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त गण के कब्जे से एक पिस्टल, दो कारतूस जिंदा व एक तमंचा, दो कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया है। पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि पारिवारिक रंजिश में हुई हत्या में शाहगंज पुलिस टीम द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिनके पास से एक पिस्टल, दो कारतूस जिंदा व एक तमंचा, दो कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया है। क्या क्या बरामदगी इनके पास से हुई है? देखिए, 3 तारीख को श्री राम बहादुर मुद्गल जब अपने घर के सामने बैठे हुए थे तो उन पर गोली से हमला किया गया, जिसमें घायल हुए थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाए, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का आज वर्कआउट किया गया, इस घटना को। इसमें 11 लोग नेम्ड थे, उसमें से जो 2 नेम्ड हैं वो आज पकड़े गए हैं। और ये दोनों का नाम शिवांशु मुद्गल और तारकेश्वर मुद्गल है। शिवांशु मुद्गल इनका भतीजा है और शिवांशु ने ही वो गोलियां चलाई थी। जिस पिस्टल से गोली चलाई थी वो पिस्टल बरामद हो गई है। उनके साथ एक तमंचा और था, वो भी बरामद हो गया है। और इनके द्वारा जो घटना का कारण है वो भोगीपुरा में दुकानों पर इनके जो चाचा थे, जो मृतक थे, उनके द्वारा कब्जा करना, उसका मेन मुख्य मैटर उसका बताया गया, कारण बताया गया। और ये जो गिरफ्तारी की है, ये घटना को जो वर्कआउट करने में और गिरफ्तारी करने में जो मुख्य रोल रहा है, वो जो हमारी एसओजी टीम है और थाना शाहगंज की पुलिस है, इन दोनों का मुख्य रोल रहा। इनके द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है और जो भी हमारी पुलिस टीम ने इसे वर्कआउट किया है और गिरफ्तारी की है, उसको मेरे द्वारा 10,000 रुपए का इनाम अपनी तरफ से दिया गया है। टोटल प्रॉपर्टी का कितना विवाद था? टोटल प्रॉपर्टी देखिए, अभी सारी चीजें, अभी तो 13-14 दुकानों का विवाद, जैसा कि इन्होंने बताया, अब तो उन्होंने बताया वो चीज सामने आई है। लेकिन टोटल प्रॉपर्टी का विवाद जब सारी चीजें कंबाइन होगी, जब सारी चीजें बातचीत होंगी, तब ये क्लियर होगा क्या 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 इनका विवाद था। भी कोई प्रॉपर्टी है सर क्या इस मामले से जुड़ी हुई? कौन सी? देखिए मैंने बताई है, वादी पक्ष से भी बात हुई है और अभियुक्तों से भी जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे बात हुई है। दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन अभी पूरी चीज, जब सारी चीज समअप होंगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, तब इसमें काफी चीज और सामने आएगी। महान मुद्गल को टारगेट बनाया गया था, उसी को हत्या करने आए थे, अभी और लोगों की अरेस्टिंग नहीं हुई है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो मानने वाले जो दोनों लोग थे और जो दोनों कंसर्न पर्सन, जो सबसे ज्यादा कंसर्न जिनका था, वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी का सबके बारे में पता किया जा रहा है, सब ब्रांच की मदद ली जा रही और जानकारी की जा रही। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे वो नेम्ड हो या ना हो, उसे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। पहले ही विवाद हुआ है क्या? मामला दर्ज हुआ पहले कभी? देखिए, इसमें कुछ मुकदमे आपस में दर्ज हुए थे जिनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें कुछ में चार्जशीट भी लगी है, वो भी इससे जुड़ा हुआ इशू है और उसके बारे में पहले से जानकारी है। थाना क्षेत्र में मुकदमे दर्ज है।